हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल देसी मिजाज पे। मैं हूँ प्रिया। आज मैं आई हूँ प्रेरणा के घर। ये है प्रेरणा। हेलो फ्रेंड्स, ये आज बनाकर सिखाने वाली है हमें साबूदाना खिचड़ी। चलिए देखते हैं किचन में क्या क्या तैयारी करना है। आइए उससे जानते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। पहले हमें लगेगा साबूदाना, जो आप 4 घंटे के लिए भी फुला सकते हैं, अदरवाइज ओवरनाइट के लिए भी फुला सकते हैं। ये कितना है साबूदाना? 2 कप साबूदाना का 1 कप पानी में आपको फुलाना है। ये 2 कप साबूदाना था जिसको इसने बहुत अच्छे से वॉश किया है और रात भर भिगो कर रखा है 1 कप पानी के साथ। ये है शुद्ध घी, देसी घी। आप इसके बदला रिफाइंड घी भी यूज़ कर सकते हैं। ये है बॉयल आलू, कढ़ी पत्ता, नींबू, मूंगफली, धनिया पत्ता, हरी मिर्च, जुलियन में अदरक और नमक सो अपने अनुसार डालना है, और लाल मिर्च, चीनी। आप यहाँ सेंधा नमक यूज कर रहे हैं? जी। आप और ऐसे खाने के लिए बना रहे हैं तो आप सादा नमक के साथ भी बना सकती हैं और प्याज भी डाल सकते हैं। अब डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। पहले मूंगफली को भून लेंगे। आप चाहें तो मूंगफली भुना हुआ भी ले सकते हैं और उसको मोटा मोटा दरदरा कूटा हुआ भी रख सकते हैं। जी, मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छी तरह से सेक लीजिए। मीडियम फ्लेम पे ये बिल्कुल भुन गया है तो निकाल लेते हैं। 1 चम्मच फिर से यहाँ घी डाल रही है। हाँ, 1 टेबल स्पून। उसके बाद राई का फ़ौरन डाल देंगे। तड़के के लिए राई डाल रही है, जो पहले बताना भूल गई थी, सॉरी गाइस। फिर ये है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता इसके कटने देंगे। अब भूनेंगे आलू, और आलू डाल दें। आलू डाल दी है, हल्का सा फ्राई कर लेंगे। आलू में नमक डाल दे रही है। अब इसमें डाल रही है जिंजर कटा हुआ, जिंजर, हरी मिर्च, आप जैसा तीखा पसंद करें तो कम डाल सकते हैं। जिंजर को हल्का सा भून ली है। अब उसमें साबूदाना डाल दी। आप देख सकते हैं बिल्कुल साबूदाना में पानी बिल्कुल भी नहीं है। आप इसी रेशियो से डालेंगे तो बिल्कुल आपका परफेक्ट बनेगा साबूदाना। जी, अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक डाल दिया है। थोड़ा आपको जैसा मिर्च पसंद है, थोड़ी हरी मिर्च के अलावा मैंने लाल मिर्च भी डाला। आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और अब डालेंगे हरा धनिया। हाँ, देखिए कितना अच्छे से मिला ले रही है। अब यहाँ पे मूंगफली डाल रही है जी, जिसको आप क्रश करके भी डाल सकते थे। मूंगफली कितना था? 1 कप। 1 कप, 1 कप। अब डालेंगे लेमन जूस। सबसे लास्ट में लेमन जूस डालना है। ये 1 टेबल स्पून है। 1 नींबू का रस, 1 पूरा नींबू का रस, और इसमें जाएगा आपका 1/2 चम्मच चीनी चाहिए। वो तीता मिर्चा नमक सबका बैलेंस बना देता है ये चीनी। रेडी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल खिला खिला है। इसको ट्रांसपेरेंट होने तक बस हल्का हल्का चलाएं, ढके बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल रेडी है हमारा साबूदाना खिचड़ी। आइए इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए पूरा खिला खिला, बिल्कुल इसमें डरने की बात नहीं है। बहुत इजी रेसिपी है गाइस, आप बहुत आराम से बना सकते हैं। इसको हरा धनिया से गार्निश कर लीजिए।
बिल्कुल बिल्कुल रेडी है हमारा साबूदाना खिचड़ी, इंजॉय कीजिए। मैं तो टेस्ट कर रही हूँ गाइस, आपको इसके लिए बनाना पड़ेगा, बनाइए और इसका स्वाद लीजिए। बहुत अच्छा बनाई है, और रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।